गाजियाबाद में बीच सड़क बेखौफ बदमाशों ने युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। दिन दिहाड़े इस वारदात को लोनी में अंजाम दिया गया। बदमाशों ने एक शख्स को लोहे की रॉड और सरिये से बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला और लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। हमलावरों ने युवक को ऑटो से उतार कर लोहे की रॉड और सरिये से पीटना शुरू कर दिया। वो लोगों से मदद मांगता रहा, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। लोग बस वीडियो बनाते रहे। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित को जीटीपी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान गोविंद के तौर पर हुई है, जो एक शातिर अपराधी बताया जा रहा है। थाना लोनी क्षेत्र में आज गोविंद नाम के व्यक्ति ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर अजय नाम के व्यक्ति के सर पर लोहे की रॉड से वार किया। अजय को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, आगे कार्रवाई की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी ने पहले भी मृतक युवक के साथ मारपीट की थी। उसकी शिकायत भी पुलिस से की गई थी, लेकिन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। फिलहाल दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। गाजियाबाद के लोनी में हुई इस निर्मम हत्या के बाद एक बार फिर योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बात बात पर बदमाशों का एनकाउंटर करने वाली यूपी पुलिस का खौफ गाजियाबाद के बदमाशों में दिखाई नहीं दे रहा और लोगों में अब डर भी पैदा हो गया है। न्यूज डेस्क।